नमस्कार दोस्तों, श्री मंदिर पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत महत्ता प्राप्त है। हमारी धार्मिक मान्यताएं बताती हैं कि हर माह आने वाली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के अधिदेवता भगवान विष्णु होते हैं, और इसीलिए इस तिथि पर व्रत और पूजन करने से आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन केवल यही लाभ नहीं है जो आपको एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के ऐसे और भी लाभ हैं जो आपके जीवन को सुखी और सफल बनाने में सहायक होंगे। आइए इन लाभों को विस्तार से जानते हैं। पहला लाभ है पाप कर्मों से मुक्ति। एकादशी को हमारे पुराणों में अति पुण्य फलदायी तिथि माना जाता है। इस शुभ दिन पर किया गया व्रत और भगवान विष्णु का ध्यान मनुष्य को जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। इस तरह यदि हम एकादशी का व्रत और पूजा करके भगवान विष्णु से अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा लाभ है सुखी घर और सकारात्मक जीवन। एकादशी का व्रत आपके जीवन से दुख और नकारात्मकता को दूर करता है। इस व्रत के प्रभाव से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं, जिसके फलस्वरूप आप सुखी और समृद्ध बनते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन घर में भगवान श्री हरि की पूजा करने से सभी बुरी शक्तियां आपके घर से दूर होती हैं और आपके घर में सकारात्मकता का वास होता है। तीसरा लाभ है मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जब आप यह व्रत करते हैं तो इसके फल स्वरूप आपको आपके अच्छे कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस तरह एकादशी तिथि आपको मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती है। चौथा लाभ है पितरों की संतुष्टि और उनका आशीर्वाद। एकादशी का व्रत और इस दिन किया गया दान सीधे आपके मृत पूर्वजों तक पहुंचता है। इस तरह यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत करके इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, पानी, कपड़े आदि का दान अवश्य करें। यह कार्य तर्पण के समान होगा और आपको अपने पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। एकादशी का व्रत करने से आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी। पांचवा लाभ है लक्ष्य प्राप्ति और कार्य सिद्धि। यदि आप किसी दुर्लभ कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह एकादशी तिथि पर मिलने वाले अनेकों लाभ में से एक है। इस दिन किया गया व्रत और अनुष्ठान सच्चे मन से की गई आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करता है। साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके द्वारा किए गए किसी भी नए प्रयास को सफल बनाता है। छठवां लाभ है कर्ज से मुक्ति और संपन्नता। एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, आपके कार्यस्थल पर आपकी तरक्की होगी और घर में भी समृद्धि निवास करेगी। साथ ही एकादशी पर पूरी श्रद्धा से श्री हरि का ध्यान करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आय के नए साधन भी प्राप्त होंगे। तो यह थे कुछ ऐसे विशेष लाभ जो एकादशी का व्रत करने से आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इसके साथ ही मानसिक शांति और स्वयं को ईश्वर के पास रखना भी एकादशी के लाभों में सम्मिलित है। हम कामना करते हैं श्री हरि विष्णु का आशीष आपको अवश्य मिले। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप बने रहिए श्री मंदिर के साथ।